कि अरिहा को भारत वापस लाना है। दरअसल अरिहा शाह की वापसी के लिए उसके पेरेंट्स ने मुहिम छेड़ दी है। अरिहा की जर्मनी से वापसी के लिए आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। उस प्रदर्शन में चाइल्ड एक्टिविस्ट भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि करीब 28 साल की अरिहा पिछले 22 महीने से जर्मनी के एक फोस्टर केयर सेंटर में है। बताते चलें कि बच्ची के माता पिता पर क्रूरता का आरोप लगाकर उसे कस्टडी में भेज दिया गया था। ये कस्टडी में तब भेजा गया था जब अरिहा मात्र 7 महीने की। तभी से उसके परिजन उसे लेकर लगातार परेशान है। यहां तक दावा किया जा रहा है कि उन पर लगे आरोप गलत पाए गए हैं। बावजूद इसके बच्ची को इन पेरेंट्स को नहीं सौंपा गया। मामला 23 सितंबर 2021 का है जब अरिहा शाह सिर्फ 7 महीने की थी। तब उसे एक एक्सीडेंटल इंजरी हुई थी। मां धारा शाह बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर्स ने चाइल्ड केयर सर्विस को फोन करके बुलाया और उन्हें बच्ची को सौंप दिया। अरिहा अब तक 29 महीने की हो गई और 22 महीने से जर्मनी के यूथ वेलफेयर ऑफिस की कस्टडी में फॉस्टर केयर में रह रही हैं। हमारे साथ धारा जी हैं जो अरिहा की मदर हैं। वो बहुत परेशान हैं अपनी 25 साल की बिटिया के लिए जो पिछले जब 7 महीने की थी तब से फॉस्टर केयर में जर्मनी में रह रही है, तो वो उसे वापस लाना चाहती है। आइए हम उनसे बात करते हैं। धारा जी क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी, 2 साल हो गए हैं अरिहा जर्मन फॉस्टर केयर में है। हमने बहुत बार जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को रिक्वेस्ट दी कि उसको इंडियन कम्युनिटी से वहाँ मिलाया जाए, इंडियन एम्बेसी से मिलाया जाए। अगर वो बोल रहे कि पेरेंट्स से खतरा है तो कोई इंडियन फैमिली से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, एम्बेसी ऑफिशियल से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्या इन सबसे बच्ची को खतरा है? उनको लगता है कि सिर्फ जर्मन फॉस्टर केयर में ही बच्ची सेफ है, कोई इंडियन परिवार या इंडियन लोगों से नहीं? ये एक उनका प्रेजुडाइज व्यू है इंडियन हमारे लोगों की तरफ, हमारी संस्कृति की तरफ। सरकार से क्या डिमांड करेंगे आप? मैं सरकार से यही डिमांड करूंगी, पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं नॉर्वे में, अमेरिका में और भारत सरकार, और तब भी प्राइम मिनिस्टर के हस्तगत उनके डायरेक्ट इंटरवेंशन से बच्चे भारत लाए गए हैं। अरिहा भी एक इंडियन सिटीजन है, उसे भी इंडिया आने का राइट है, तो उसे भी जैसे पहले सारे बच्चे आए हैं। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मोदी जी आप प्लीज इसे इंटरवेन करके, पर्सनल इंटरवेंशन देके अरिहा को जल्द से जल्द भारत लाए। मोदी जी तमे जरिया ने भारत लावी सको छो, प्लीज मने तमारो पूरी श्रद्धा ने भरोसा छे, प्लीज तमे इने भारत ले आओ। जर्मन एम्बेसडर से मुलाकात हुई? जी नहीं, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें जर्मन एम्बेसडर से कोई मुलाकात की अपॉइंटमेंट या कुछ मिल नहीं रहा है, और हम मेल्स वगैरह सब डाल रहे पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इस समय हमारे साथ हैं सुरन्या अय्यर जी जो बच्चों की एक्टिविस्ट हैं, जो बच्चे विदेश में रहे फॉस्टर केयर में होते हैं उनको हिंदुस्तान लाने के लिए जो काम करती हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम अरिहा के केस में क्या डेवलपमेंट है? अभी जून में जर्मन के कोर्ट ने पेरेंटल राइट्स टर्मिनेट कर दिए, मतलब कि लीगली स्पीकिंग अब अरिहा के कोई पेरेंट्स नहीं हैं जर्मनी में, और उसे एक फॉस्टरिंग सेंटर में डाला गया है जहां बताया गया है कि स्पेशल नीड्स बच्चे रहते हैं, इवन दो शी इज नॉट अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड, शी इज अ नॉर्मली डेवलप्ड चाइल्ड। तो जब से इंडियन गवर्नमेंट ने इस बच्ची का मुद्दा उठाया है जर्मन गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि ये बच्ची एक भारतीय नागरिक है, शी इज ओनली एन इंडियन सिटीजन विद एन इंडियन पासपोर्ट, द पेरेंट्स डिड नॉट इवन अप्लाई फॉर जर्मन सिटीजनशिप, और बच्ची का जर्मनी में अब कोई नहीं है अपने माँ बाप के अलावा, जो जिनसे लीगली उसका रिश्ता अब तोड़ दिया गया है जर्मन कोर्ट ऑर्डर के तहत। तो हमारा कहना है कि जब बच्ची इंडियन है और उसका जर्मनी में कोई भी नहीं है, और यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के तहत किसी भी बच्ची का कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, नेशनैलिटी, इसको प्रिजर्व करने का, बचाए रखने का, वो ये बच्चे का अधिकार है, तो उसे इंडिया वापस भेजा जाए। तो अरिहा को भारत लाने के लिए उसके माता पिता लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जिसमें
विदेशों में भारतीय पेरेंट्स के बच्चों को फॉस्टर होम्स में रखा गया हो। हालांकि उन मामलों में इंटरवीन किया गया भारत सरकार की ओर से और ऐसे में वहां पर भारतीय पेरेंट्स को जीत मिली। यहां पर अरिहा के पेरेंट्स इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि अरिहा को वापस लाने में भारत सरकार उनकी मदद करे।